हेलो एवरीवन, मैंने ये फोन बहुत डाउट के साथ परचेज किया, जहां कुछ लोग इसकी इतनी तारीफ कर रहे थे जैसे इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, और कुछ लोग इसे पूरी तरह से गिमिक फोन बोल रहे थे। सबसे ज्यादा डाउट था इसकी प्राइस की वजह से, लेकिन अब जब मैंने इसे 1 मंथ यूज कर लिया है तो आज मैं इसका रियल रिव्यू शेयर करती हूँ। यूज करने पर यह फोन काफी सरप्राइजिंग लगा। फिलहाल मैं S23 अल्ट्रा, OnePlus 11 एंड Pixel 7 भी यूज कर रही हूँ, और ये तीनों सैमसंग, वन प्लस एंड गूगल के फ्लैगशिप फोन्स हैं, और ये भी नथिंग कंपनी का लगभग फ्लैगशिप फोन ही है। तो ये सारे फोन एक साथ यूज करने पर सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। इसका परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ तो आउटस्टैंडिंग है, और जिसके बारे में डिटेल में आगे बात करते हैं। इस फोन में 4700 mAh की बैटरी है, 12 GB रैम एंड 256 GB वाला स्टोरेज है, 120Hz LTPO पैनल है एंड स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर है, जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर है। इसकी डिजाइन इसकी पहली पहचान है जो सबसे हटके है। पीछे का कैमरा लेआउट सभी को आईफोन की कॉपी लगता है, बट ये क्लियर है एंड अच्छा लगता है। इसका फ्रेम एल्यूमिनियम का है और इसके फ्रंट एंड बैक में कॉर्निंग ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है। तो आज इस वीडियो में इसकी ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस, स्पीकर्स, बैटरी लाइफ, कैमरा क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी की डिटेल में बात करते हैं। सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट लगा इसका कैमरा क्वालिटी। पिक्चर बहुत सॉफ्ट आते हैं एंड फोकसिंग बहुत स्लो है। वैसे ये कलर टोन नेचुरल रखने की पूरी कोशिश करता है। पिक्सल की तरह फोटोज डार्क जैसे ही दिखते हैं, लेकिन पिक्सल क्वालिटी इससे बहुत अच्छी है और ये इस लेवल पर बिल्कुल नहीं है। डेलाइट फोटोज अच्छे हैं जहां 1x हो या 2x डिजिटल जूम। पोर्ट्रेट में 2x जूम का ऑप्शन अपडेट से मिल गया था, लेकिन उसकी पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, मतलब मैं इसे एवरेज रेटिंग ही दूंगी। लो लाइट फोटो जैसे शाम के टाइम या घर के अंदर कम लाइट होने पर इसके फोटोज बहुत सॉफ्ट आते हैं और दोबारा पिक लेने का मन ही नहीं करता। लो लाइट मोड से फोटोज ठीक आते हैं, बट पॉइंट ये है कि 45,000 से 50,000 की रेंज में इस तरह की क्वालिटी एवरेज या उससे भी नीचे है। डिस्प्ले इसकी अच्छी है, जहां फुल HD+ रेजोल्यूशन है और 120Hz LTPO AMOLED डिस्प्ले, जो 1Hz से 120Hz तक वेरिएबल है। यह आउटडोर में 1000 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है और HDR में 1600 nits की। डिस्प्ले का एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि एकदम स्मूथ है, और एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसकी ब्राइटनेस जितनी पेपर पर है उतनी रियल में नहीं, ना तो आउटडोर में 1000 nits जैसी लगती है और ना ही HDR में 1600 nits जैसी। बाकी कलर एक्यूरेसी अच्छी है, बहुत ज्यादा विविड या एकदम डल जैसी नहीं है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स रियल लाइफ यूज में एक नॉर्मल यूजर को नोटिस में नहीं आएंगे। सबसे ज्यादा यूज फोन में इसकी डिस्प्ले से होता है, और जब डिस्प्ले की स्मूथनेस मक्खन जैसी हो तो ऐसे में मैं इसे वेरी गुड की रेटिंग दूंगी, मतलब 5 में से 4 नंबर। यहाँ 256 GB स्टोरेज के साथ बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं है, तो यूज के हिसाब से स्टोरेज वर्जन लेना जरूरी है। और जो इसे 3-4 साल यूज करने की सोच रहे हैं तो 512 GB ले लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। फोन की चार्जिंग स्पीड 45 वॉट की है, जो PD 3.0 की टेक्नोलॉजी वाली है। एडेप्टर अलग से खरीदना पड़ता है और मैंने इसका 45 वॉट वाला एडेप्टर यूज किया है। इसे फुल चार्ज होने में लगभग 1 से 1.25 घंटे तक का टाइम लग जाता है। इस फोन की बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है, एवरेज स्क्रीन ऑन टाइम 7 से 8 घंटे तक का मिल जाता है, और अगर कोई ज्यादा यूज नहीं करता ना फोन को, तो 2 दिन भी ये फोन आराम से चल सकता है। वैसे इसके लिए मैंने एक पॉइंट नोटिस किया है कि यहाँ ये बैकग्राउंड एप्स को किल करता है, जिससे बैटरी लाइफ अच्छी बनी रहे। मैंने इसे वाईफाई एंड सेलुलर नेटवर्क दोनों पर यूज किया है, और मुझे बैटरी लाइफ एकदम परफेक्ट मिली है अभी तक। यहाँ मैं इसे 5 out of 5 की रेटिंग दूंगी। इस बीच में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। यहाँ इसकी डिस्प्ले 6.7 इंच की है, जिसे फ्लेक्सिबल LTPO AMOLED डिस्प्ले का नाम दिया गया है। इसमें कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा, लेकिन नथिंग Netflix जैसे एप्स पर HDR सपोर्ट नहीं कर रहा, और ना ही अपडेट से सपोर्ट देने वाला है। तो यहाँ HDR वाला फीचर ये समझो कि सिर्फ YouTube पर ही यूज हो पाएगा, और ये एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में हर फोन HDR सपोर्ट तो देता ही है Netflix एंड Amazon Prime जैसे एप्स के लिए। फिलहाल ये फोन Nothing OS 2.0.2 पर रन कर रहा है, जो कि Android 13 पर बेस्ड है। इसमें नेक्स्ट Android 14, 15 एंड 16 के अपडेट्स मिलेंगे एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स भी। यहाँ कोई हॉट एप्स या हॉट गेम्स जैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे, और ना ही UI के अंदर ऐड।
होपफुली यहाँ अपडेट्स टाइमली मिले और यूजर एक्सपीरियंस बेस्ट बना रहे। नथिंग फोन 1 में ओएस में बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं थे, लेकिन ओएस 2 में नथिंग ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके विजिट्स एकदम अच्छे हैं और क्लीन है। यहाँ क्विक पैनल वाले विजिट्स जैसे वाईफाई, टॉर्च, हॉटस्पॉट, नियर बाय शेयर सभी को डिस्प्ले पर लगा सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। यह कस्टमाइजेशन में आइकन पैक वाला भी फीचर मिलता है और नथिंग का मोनोक्रोम वाला आइकन पैक सभी को बहुत पसंद आया। नथिंग के वॉलपेपर भी काफी क्लीन एंड सोच समझकर बनाए गए हैं। फोन में फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक दोनों फीचर्स अवेलेबल हैं। फिंगरप्रिंट इसका फास्ट है एंड एनिमेशन भी स्मूथ है। फेस अनलॉक फीचर भी अच्छा काम करता है। मैं इस फोन में एयरटेल एंड वीआई की सिम यूज कर चुकी हूँ और दोनों से ही मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नेटवर्क रिसेप्शन बहुत अच्छा है, इंटरनेट स्पीड भी अच्छी आती है एंड एयरटेल पर 5G अच्छे से काम करता है। कॉल क्वालिटी भी अच्छी है और अदर पर्सन को काफी क्लियर सुनाई देता है। इस फोन के स्पीकर्स अच्छे हैं, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से थोड़े कम। इनमें बेस बहुत कम लगता है और सच बताऊं इस प्राइस पर इससे बहुत अच्छे स्पीकर्स मिल जाते हैं पिक्सल एंड वन प्लस के फोन्स में। वैसे ये ऐसा पॉइंट है जो कंपैरिजन करने से ही फील होता है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे भी सारी प्रॉब्लम कंपेयर करने से ही होती है लाइफ में। ओके, गेमिंग के लिए ये फोन मस्त है। इसमें BGMI गेम भी मैंने खेला है और बहुत स्मूथ चलता है। डे टू डे लाइफ के लिए परफेक्ट है, कोई इशू नहीं। सारे गेम आसानी से हैंडल कर लेता है क्योंकि प्रोसेसर इतना पावरफुल एंड ऑप्टिमाइज है। हीटिंग का इशू भी नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा गर्म जरूर होता है मेटल एंड ग्लास बेड की वजह से। परफॉर्मेंस के पॉइंट पर कोई शिकायत नहीं, लेकिन ट्विटर स्क्रॉल करने पर कभी कभी टच इशू हुआ है। यूट्यूब भी 120 हर्ट्ज पर चलता है। वैसे मैंने ट्विटर पर एक ट्वीट देखा था जिसमें नथिंग फोन 2 सबसे ज्यादा एप्स को 120 हर्ट्ज पर सपोर्ट करता है। 12GB रैम के साथ मल्टीटास्किंग का भी कोई इशू नहीं रहा। नथिंग ओएस और ऐसे ही ऑप्टिमाइज होता गया तो ये बेस्ट ओएस बनने वाला है फ्यूचर में। अब जो लोग ये फोन यूज कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। इसका कैमरा सेटअप सिंपल है, जहां 50 MP का मेन सेंसर एंड 50 MP का अल्ट्रावाइड सेंसर है। मैं पर्सनली टेलीफोटो प्रेफर करती हूँ, जिससे पोर्ट्रेट पिक्स बेस्ट आते हैं। मेन कैमरा से बहुत पिक्स लिए हैं, पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, लेकिन कंपेयर करने पर ब्लो एवरेज है। पिक्सल 7 कैमरा किंग है और इस प्राइस रेंज में उसकी बात मैं वन प्लस को प्रेफर करूंगी। वीडियो क्वालिटी 4K 60fps तक की रिकॉर्ड कर सकते हैं और क्वालिटी भी सही है। फ्रंट कैमरा से 1080p 60fps तक ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। 32 MP का फ्रंट कैमरा है और क्वालिटी यहाँ भी एवरेज है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से फोटोज ज्यादातर स्मूथ रहे हैं और डिटेल्स कम। ये फोन दिखने में प्रीमियम है, लेकिन ये सब्जेक्टिव है। कुछ लोगों को ये डिजाइन चीप लगती है और इसका ग्लिफ इंटरफेस उतना यूजफुल नहीं है जितना की मार्केटिंग की जा रही है। ये ऐसा फीचर है जैसे 2 दिन दिखने में फिर सब भूल ही जाते हैं कि ये ऐसा भी कुछ है इस फोन में। इसके डिजाइन का एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि स्लिपरी फील होता है और हमेशा ही गिरने का डर रहता है। इसका हैप्टिक फीडबैक अनबॉक्स के टाइम बहुत बेकार था, लेकिन अपडेट के बाद अच्छा हुआ है। फिर भी पिक्सल एंड वन प्लस जैसा नहीं। यहाँ कोर्निंग ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है जो कि विक्टस वाला होना चाहिए। 5 बहुत पुराना हो गया है। अगर मैं इसे अपनी फाइनल रेटिंग दूं तो वो कुछ ऐसे होगी। फोन आते जाते रहेंगे, आपको फोन तभी खरीदना है जब पुराना वाला सच में बेकार हो गया हो। बाकी तो टेक लवर्स हैं, उनके लिए ये फोन भी एक्सपेरिमेंट के लिए है। मैंने वीडियो पूरी तरह से न्यूट्रल रखने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।